Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janab Asif Jan Sahab, Deputy Commissioner Badin. Janab Asghar Hadi Bordo Sahab, Chairman Sahab. Janab Rais Sahab, Commander Rangers Wing. Tamam Moses Officers, Mozazin Badin. Tamam Badin Ke Shahidi. अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी 14 अगस्त आती है मुझको मरहूम जुनैद जमशेद का एक नगमा याद आता है, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। तो आज जिला इंतज़ामिया बदीन और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो एक आलीशान तकरीर मुनक़द की है, तो वो यादें कुछ ज़्यादा ही ताज़ा हुई हैं और मैं इस पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे शानदार तकरीब मुनक़द करता था और मैं आप तमाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी कोई आम चीज़ नहीं होती, आज़ादी बहुत आसानी से भी हासिल नहीं होती। आज़ादी अगर हम तारीख पढ़ें तो हमें लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद और हज़ारों इज्जतें गंवाने के बाद मिली है। इसीलिए कहा गया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमने अपने आबा से अपने उन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी रूहों से ये वादा करना है। 14 अगस्त ये नहीं है कि हमने सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट लाजमी करना है, जश्न मनाना है, जिंदा कौम का सबूत देना है, लेकिन सच्चे दिल से वादा भी करना है और अपने बच्चों को ये सबक भी देना है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कुछ हमने खोया है। हमने बताना है कौन हमारा दुश्मन है। ये मुल्क ऐसे नहीं बन गया, इस मुल्क के कितने आगे चैलेंजेस हैं, तो ये हमने अपने बच्चों को भी बताना है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप सबसे पहली दफ़ा मुखातिब हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है बदीन में आने की। और मेरा आपसे एक वादा है कि बदीन में मैं इंशाल्लाह, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, बदीन में मुझे एक चीज़ का जो सबसे पहले पता चला है कि बदीन में आपकी नस्ल को, नौजवान नस्ल को मंशियात का चैलेंज दरपेश है। सफीना है, गुटका है, मेन पुड़ी है, ये तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर खाली आपको ये नहीं कह रहा कि एक वो वादे तसलियाँ और खाली वो चीज़ें होती हैं। मेरे माँ बाप ने जो मेरी तरबियत की है और वो जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं वो खाली ये नहीं है कि खोखले वादे। वो खोखले वादे मैं ऑफिस में तो कर सकता हूँ, इस किस्म की खुली पब्लिक में इस किस्म का अगर मैं वादा करके जाऊंगा तो मेरे ख्याल में मेरा ज़मीर भी मलामत करेगा और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये पब्लिक भी पीछे मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेगी। ये वादा मैं कम से कम मैं करके जा रहा हूँ कि जब तक हसन नियाज़ी यहाँ पे होगा इंशाल्लाह यहाँ पे मंशियात नहीं होगी। और यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे आपको नंबर्स मिलेंगे, पुलिस के अवेयरनेस नंबर्स होंगे, कंटेक्ट नंबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, जहाँ पे आपको पता चलता है इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। पुलिस को इंफॉर्मेशन दें कि आपको ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो काइंडली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। मैं इस मौके की मुनासबत से इस साहब एक फ़ायदा उठाना चाहता था, मैंने उठा लिया। कुछ मौके का मैं
और भी इंशाल्लाह पुलिस की जानिब से आपको जो भी हेल्प होगी इंशाल्लाह पुलिस और पब्लिक साथ साथ चलेंगे। पुलिस का हम इंशाल्लाह मुलाजमत हाई करेंगे, पुलिस एक अच्छी फोर्स में आपको डेवलप होती हुई दिखाई देगी। बाकी मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस मुल्क के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा पब्लिक के लिए फोर्सेस के लिए कि ये एक जन्नत है और जन्नत को हम मजीद जन्नतुल फिरदौस बना सकते हैं। मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश्के इरम करें, कुछ काम आप कीजिए कुछ काम हम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।